आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। 22 सितंबर से आगरा में शुरू होगा ताज रंग महोत्सव। देश और विदेश से सैकड़ों कलाकार लेंगे ताज महोत्सव में भाग। नौटरंजली थिएटर द्वारा चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव का आयोजन 22 से 26 सितंबर तक होली पब्लिक स्कूल सिकंदरा आगरा पर किया जाएगा। 22 से 26 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से ओडिसी कलाकार नृत्य व देश विदेश से आए कलाकारों के साथ साथ आगरा शहर के कलाकारों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। 22 सितंबर को होली पब्लिक स्कूल सिकंदरा में रंगारंग कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। 11:30 बजे नाट्य पिता में स्वर्गीय राजेंद्र रघुवंशी को समर्पित नुक्कड़ नाटक की श्रृंखला के साथ नृत्य नाटक व संगीत सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ महोत्सव प्रारंभ होगा। व 5:00 बजे हाथी घाट पर भव्य यमुना मैया की आरती होगी व अतिथि देवो भव की परंपरा पर देश विदेश से आए सभी मेहमान कलाकारों का स्वागत व सम्मान किया जाएगा। 5 दिवसीय प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण से महोत्सव सम्पन्न होगा। महोत्सव में फोटोग्राफी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। ताज रंगारंग महोत्सव की ऑर्गेनाइजर अलका सिंह ने बताया कि महोत्सव में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अरबिया के कलाकारों के अलावा अपने भारत देश के 22 राज्यों के कलाकारों के साथ पहली बार श्रीनगर के कलाकार भी महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। आगरा से लाइव टुडे के लिए कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अजित कुशवाहा की रिपोर्ट। अलका सिंह, ऑर्गेनाइजर अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव। आज किस तरीके का कार्यक्रम, किस परिपक्ष में रखी गई है आपकी प्रेस वार्ता? हमारे बीच में जो कलाकार आने वाले हैं, जैसे इस प्रकार में आ रही है ओडिसी डांस प्रस्तुत करेंगी, और भी जो कलाकार आ रहे हैं उन लोगों का हमने यहाँ पर उनके बारे में बताया है। जैसे 4 तो हमारे विदेशी टीमों के कलाकार आ रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका और सर्बिया के कलाकार हमारे बीच में होंगे, और भारतवर्ष से लगभग 22 राज्यों के कलाकार होंगे, जिसमें श्रीनगर के कलाकार कहीं प्रतिभाग नहीं करते थे अक्सर, वो नहीं प्रतियोगिता में शामिल हो पाते थे। इस बार श्रीनगर के कलाकार भी हमारे बीच में होंगे अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों को लेकर। पूरे शहर को जोड़ा गया है, कलाओं के माध्यम से भी जोड़ा गया है। सम्मान हम लोग जो बहुत बेहतर कार्य अपना योगदान देते हैं समाज के बीच में, आगरा को विश्व पटल पर ले जाने के लिए समर्पित हैं, जिनका जिनकी संस्थाएं, जिनका खुद का व्यक्तिगत जीवन, उनको भी हम इस मंच से सम्मान कर रहे हैं। जैसे नवरत्न सम्मान दे रहे हैं, विभिन्न संस्थाएं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनके लिए नवरत्न सम्मान है, जो बहुत अच्छा डिवोटेड होकर स्वयं कार्य कर रहे हैं उनके लिए सप्तऋषि सम्मान है, और भी सहयोगी जो संस्थाएं हैं इस ताज रंग महोत्सव को सफल बनाने में, उन सभी संस्थाओं का हमारे इस मंच पर स्वागत। कितने दिनों का कार्यक्रम रखा जाए? ये हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 22 तारीख को होली पब्लिक स्कूल में प्रातः 11:30 बजे से इसका शुभारंभ होगा। प्रथम सत्र में कार्यक्रम चलेंगे, फिर द्वितीय सत्र में 22 तारीख को 5 बजे भव्य यमुना आरती यमुना हाथी घाट पर आयोजित की गई है, जिसमें सभी कलाकार अपनी अपनी वेशभूषा में यमुना मैया की आराधना करेंगे। उसके बाद हमारा शहर उनका स्वागत करेगा, सम्मान करेगा, और उनकी कुछ विशेष प्रस्तुतियों को वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। फोटोग्राफी से संबंधित आपने प्रतियोगिता रखी है, उसमें किस तरीके से आपने कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है और क्या उसमें बाउंडेशन है? हमारा जो कार्यक्रम है, ये इसका जो मुख्य आकर्षण, हमारा 26 तारीख को जो रंग जुलूस निकलेगा कार्यक्रम के समापन के दिन यानी 26 को, उसमें भव्य रंग जुलूस है। 2 से 3 घंटे का समय रंग जुलूस में जो कलाकार होते हैं अपना अपनी अपनी वेशभूषा में तैयार होकर अभिनय करते हुए, नृत्य करते हुए, सामाजिक कुछ संदेश, प्रेरक संदेश देते हुए वो रंग जुलूस निकालते हैं। इसी दौरान हमने फोटोग्राफी प्रतियोगिता की है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं वो लोग शामिल होंगे। आगरा से करीब 50 से ऊपर जो फोटोग्राफर्स हैं वो प्रतिभाग करेंगे, और ये जो रंग जुलूस होगा इसकी फोटोग्राफी उनकी फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन में मानी जाएगी। इसमें कोई मानक रखा गया है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर रखे हैं या आजकल जो शौकिया बच्चे जो फोटोग्राफी करते हैं उनको रखा गया? शौकिया भी है और प्रोफेशनल भी है, जो इस कला और संस्कृति को अपने कैमरे में कैच करना चाहते हैं, कैद करना चाहते हैं, इन पलों को संजोए रखना चाहते हैं। पूरा भव्य आयोजन जो कि विश्व भर का कलाकार हमारे आगरा के पथ पर होगा, वो सभी इसमें प्रतिभाग कर